लोगों सेमिनार जो है रास आया होगा, क्यों क्यों भाई? सही है ना, सेमिनार थोड़ा रास आया होगा आपको, ठीक। और एक दिन की हॉलीडे के बाद मुलाकात जो है और रास आ रहा होगा। आज की कक्षा में हम लोग फंडामेंटल राइट पे चलेंगे, और फंडामेंटल राइट राज्यों के विरुद्ध जिसको कहा जाता है कि हमें एक अधिकार मिला है, जनता को एक अधिकार मिला है, उसकी चर्चा करेंगे। और आज आपको पहले, ऐसे नहीं कि 14 में लिखा है 15 में लिखा है, ये सब तो लिखा ही है, ठीक है ना, वो आपने कुछ पढ़ा होगा, कुछ पढ़ लेंगे। लेकिन जहां पर दुखद जोर लगाना है, जैसे हम लोग कहते हैं ना इन्फोर्समेंट, या कहा जाए लॉ जो है इन्फोर्स करता है, जैसे हेलमेट पहन के नहीं चलेंगे तो चलान कटेगा, वहां पर लॉ है तो होगा ही। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्वोपरि विधि है, सर्वोच्च विधि है, और इसमें जितने भी बातें कही गई है ना, आज आपके अंदर एक नया ताकत, एक नई जानकारी भरेंगे और आपको समझाएंगे कि संविधान आर्टिकल 12, 13 या 12 से लेकर 35 तक के बीच में मूल अधिकार की जो चर्चा है, वह बड़ा इतिहास लिखा है, वह अधिकारों के लिए राज्यों से बड़ा लंबा संघर्ष किया है, यह अधिकार राज्यों के विरुद्ध है। जाहिर सी बात है कि राज्यों से अधिकार को छीना गया है और इसको एक संवैधानिक रूप दिया गया, ये किसी केवल एक घोषणा नहीं है। जैसे 1215 के मैग्ना कार्टा को देखेंगे, वहां से मूल अधिकार की एक निहित भाव आता है, और जबकि वो मैग्ना कार्टा इंग्लैंड का है, लेकिन फंडामेंटल राइट हमने लिया अमेरिका से। जब इतना पुराना विरासत में फंडामेंटल राइट इंग्लैंड के पास पड़ा था, तो हमने उससे क्यों लिया? अमेरिका से। अमेरिका से इसलिए लिया क्योंकि यह अमेरिका के संविधान में था, ऐसे हवा हवाई घोषणा नहीं थी। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को एक विधिवत संविधान के अंतर्गत निहित स्वरूप देना चाहते थे। क्यों देना चाहते थे? आप जैसे मैंने बताया कि ये राज्यों के विरुद्ध है। राज्य क्या है? आर्टिकल 12 में लिखा है, और वहीं ठीक नीचे आएंगे तो जुडिशियल रिव्यू की बात करें, चार आर्टिकल बताएंगे, 13(1) बताएंगे, 13(2) बताएंगे, 13(3) बताएंगे, 13(4) बताएंगे कि कहां पे न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत या राज्य की जो परिभाषा आर्टिकल 12 में निहित है, उसको क्या राज्य है क्या नहीं है। कई चीजें तो क्लियर है कि ये राज्य है, लेकिन कई चीजें पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये राज्य है, उसमें न्यायालय के शरण में जाना पड़ता है, फिर पता चलता है कि ये राज्य भी। फिलहाल भारतीय संविधान के निर्माताओं ने जानते थे कि हम औपनिवेशिक काल में अपना जीवन जी चुके हैं, और जिस तरीके से औपनिवेशिक काल के दिनों में हमारे जीवन में छोटे छोटे कानून ला करके बड़े बड़े सितम ढाए गए, जिस तरीके से इतनी बड़ी समस्या को, यानी कि जो देश में जो गुलामी थी, उस समस्या के दरमियान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन दिनों में अपनी डोमिनियन स्टेट, पहले बाद में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के लिए जिस तरीके से पसीने बहाए गए, हालांकि डोमिनियन स्टेट भी नहीं मिला, बाद में पूर्ण स्वतंत्रता लिया, डोमिनियन क्या करते, पूरी आजादी। तो वहां पर मूल अधिकार का पूरा ताना बाना होना राज्य के विरुद्ध है। ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि अगर सरकार के तीन अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो क्या न्यायपालिका भी राज्य है?
अगर विधायिका राज्य है, सरकार राज्य है, तो क्या न्यायपालिका भी राज्य है? अगर न्यायपालिका राज्य है तो क्या उसके विरुद्ध भी यह मूल अधिकार है जो कि मूल अधिकारों की संरक्षण करती है? क्या न्यायिक पुनर्विलोकन जो असंगत होते हैं मूल अधिकारों से, क्या उनको अगर न्यायपालिक जो आर्टिकल 32 के तहत आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाकर सुप्रीम कोर्ट से अपने मूल अधिकारों की रक्षा का उपाय ले सकते हैं, क्या वही उसी के आदेश से आपका मूल अधिकार का उल्लंघन हो सकता है? क्या ऐसी कोई गुंजाइश है? चर्चा करेंगे। आपने देखे कि तमाम के साथ साथ बहुत सारी बातें, फॉर एग्जाम्पल जैसे 33 की बात करेंगे, 34 की बात करेंगे, 35 की बात करेंगे, जहां जैसे 33 34 जहां पर संसद का अधिकार है मूल अधिकार में, जहां पर यह बात का है कि यहां पर ये मूल अधिकार अपवाद होंगे, तो पहले हम मूल अधिकार का एक पृष्ठभूमि में जाएंगे, मूल अधिकार के उद्भव और उसके विकास में जाएंगे, फिर उसके संवैधानिक संरक्षण में जाएंगे, फिर उसके परिभाषा और उद्देश्य की चर्चा करेंगे, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत आगे बढ़ते हुए तमाम, चाहे गोलकनाथ का मामला हो, चाहे केशवानंद भारती का मामला हो, उच्चतम न्यायालय, चाहे 24वां संविधान संशोधन हो, चाहे 42वां संविधान संशोधन हो, चाहे 44वां संविधान संशोधन हो, हम परत दर परत संविधान को के अंदर मूल अधिकार, ये समय मूल अधिकार के अंतर्गत बात करते हैं, चर्चा करेंगे। हम सामान्य यानी एक व्यक्तिगत हित का एक सामाजिक हित के साथ कैसा सामंजस्य होता है, हम भी इसका मूल अधिकार के भीतर चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या भाग 3 में जो दिया गया मूल अधिकार है उस पर कोई निर्बंधन हो सकता है, क्या उस पर कोई संकुचित यानी नैरो इंटरप्रिटेशन भी है, क्या क्या एक नैसर्गिक न्याय है या एक सम्यक विधि प्रक्रिया है, ये क्या हम इसे एक नेचुरल जस्टिस मानते हैं फंडामेंटल राइट का, या एक सम्यक यानी सम्यक समझते हैं सम्यक दर्शन, समय का एक प्रोसेस है ये। इन तमाम के साथ और भी बिंदुओं पर जब चर्चा करेंगे, अभी तो हम छोड़ दीजिए आर्टिकल 12 और बाद में पहुंचेंगे, पहले हम उस वातावरण में तो घुसे कि कहां से हमारे संविधान की लीला, ये मूल अधिकार की लीला शुरू हुई, रामलीला बन तो बाद में जाएंगे, पहले तो राम पैदा होंगे, और मानवाधिकार के साथ इसका संवैधानिक अधिकार या संवैधानिक संरक्षण या कहा जाए संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार का क्या रिश्ता है, अमेरिका में ये किस तरह से उल्लंघन की कसौटी पर क्या चीजें हो सकती हैं, और मूल अधिकार का क्या निलंबन भी हो सकता है, और निलंबन अगर होता है तो किन परिस्थितियों में होता है, और निलंबन किन अनुच्छेदों का नहीं भी हो सकता है। जब पूरा ये ताना बाना आप जान जाएंगे ना, आज आप संविधान का आधा भार उतार के जाएंगे, बाकी जो भार है आधा वो भर भरा जाएगा खुद ही। अगर संविधान के नेचुरल कट को यानी कि मूल अधिकार की अगर मेनली बात करें, तो मूल अधिकार के नेचुरल कट को अगर आप अडॉप्ट नहीं करते हैं, तो आप संविधान कितने साल पढ़ें, कितनी बार पढ़ें, या मूल अधिकार कितनी बार कितने साल पढ़ें, हमेशा एक मतलब कह सकते हैं भ्रमात्मक ज्ञान हमेशा अंदर भरा रहेगा। तो सिर्फ किताबी नहीं होना है, कुछ आपको अपने दर्शन और अपनी उपादेयता और बदली हुई दौर की प्रासंगिकता के अनुपात में चीजों को हल करेंगे। तो हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग 3, भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 से 35 के बीच मूल अधिकार की जो चर्चा है। क्योंकि यह राज्य के विरुद्ध है, तो सबसे पहले आपको राज्य जानने का हक है। अगर राज्य के विरुद्ध यह हक मिला है, अधिकार मिला है, और वर्षों से, सैकड़ों वर्षों से राज्यों के संघर्षों से, जनता का राज्यों के संघर्षों के परिणाम है ये, तो अगर आज भी वही राज्य इसका उल्लंघन कर दें, जो संविधान में जनता को अधिकार मिला है, अगर उसका वो उल्लंघन कर दें, तो इसको कौन बचाएगा? तो ये बचाने वाला है आपका आर्टिकल 13 में सुप्रीम कोर्ट, जो संविधान का मूल अधिकार का संरक्षक है। तो उद्विकास की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, तो अध्याय 3 में इसकी चर्चा है
और इसे एक अधिकार पत्र 1215 जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो इस मैग्ना कार्टा के अंतर्गत आप देखें तो एक अधिकार पत्र की घोषणा थी जिसको मूल अधिकार का हमको रिसाव दिखाई देता है। मतलब हिस्ट्री में जाएंगे तो ये चीज की मिली जाता है। और मूल अधिकारों का प्रथम लिखित दस्तावेज है ना, अगर देखा जाए तो इस मैग्ना कार्टा को आप जन्मदाता के तौर पे कह सकते हैं, पहला लिखित दस्तावेज के रूप में। तो अगर आप इसका मोटिव एस्पेक्ट जाए तो 1215 और 1950 के दरमियान एक अच्छा खासा फासला है। क्यों? एक अच्छा खासा इसमें फासला मिलता है। अगर मैं बिल ऑफ राइट की बात करूं जो 1869 का है, 1869 के बिल ऑफ राइट की बात करें तो यह भी उसी उद्भव की दिशा में फंडामेंटल राइट का एक दूसरा स्टेज दिखाई देता है। अगर हम आगे बढ़ करके 1789 में फ्रांस ने जो मूल अधिकार की बात कही उसकी चर्चा करें तो एक तीसरा स्टेप भी हमको यहाँ पर दिखाई देता है। तो कहने का मतलब है कि हिस्ट्री में हम जाएं तो मैग्ना कार्टा की बात कर सकते हैं, हम बिल ऑफ राइट की बात कर सकते हैं, हम फ्रांस में फंडामेंटल राइट की बात कर सकते हैं। इन तमाम की बात करते हुए हम इसके ओरिजिन को पहचान सकते हैं। जब हम आते हैं संवैधानिक संरक्षण की बात करते हैं, तो जब भी संवैधानिक संरक्षण की अवधारणा विकसित होती है तो उन परिनियमों से प्राप्त या उन नियमों से प्राप्त हमें जो चीजें हैं उनसे कैसे संरक्षण मिलेगा। तो जरा सा पॉइंट बनाते हुए आगे बढ़ जाइए, क्योंकि समझाते रहेंगे तो लिखना छूट जाएगा और समझाते लिखाते निकल लेंगे। सबसे पहले लिखिएगा मूल अधिकारों, पहले तो लिखिए भाग तीन, लिखे भारतीय संविधान का भाग तीन है ना, मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में बड़ी जोरदार चर्चा है, लेकिन अभी हम किसी आर्टिकल की चर्चा नहीं करने वाले। आज आज तो संभव भी नहीं है कि शायद आर्टिकल की चर्चा होगी। आज तो आपको पूरा संविधान का, और जो मुख्य परीक्षा में और खास तौर से प्रारंभिक परीक्षा में बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो आप कहते हैं हम तो मूल अधिकार रट के गए थे वहां, तो यार समझ में नहीं आया, ये तो सवाल ही नहीं समझ में आया, और ये यार ये कैसे पूछ लिया, हम तो इसको बता ही नहीं पाए। तो वो उसका कारण होता है कि बच्चा, जैसे जैसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि जब भी आप कोई पुस्तक खोलते हैं पढ़ने के लिए तो उसके अपने ज्ञान का एक वातावरण विकसित करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि बस शुरू हो गए, मतलब है ना, हम आपको किचन में ले जाकर दाल पकी पकाई नहीं दे रहे हैं, हम पूरा दाल पकवा रहे हैं आपसे। क्या समझ, सब्जी पूरा कह रहे हैं, आलू छीलो लहसुन छीलो सब छिलवा कर कुछ कड़ाही में डला के बनवा रहे हैं, ताकि आपको सब्जी में क्या कमी रह गई है वो बनाते समय वाले को ज्यादा पता रहता है। तो जब आप पृष्ठभूमि ही नहीं पता है तो आप सिर्फ क्या कहेंगे, स्वाद अच्छा नहीं है। अगर आपने बनाकर, आप स्टूडेंट हैं, आप अपने हाथ से खाना बनाते हैं, हम लोग भी बनाते थे, और जब भी देखे होंगे कि हमने मिर्च मसाला कम डाला है तो खाने से पहले पता है कि हमने कम डाला है, और जब खाते हैं तो जाहिर है उसका उतना स्वाद नहीं होगा, इसलिए वो एक्सेप्टेबल होता है। मतलब पूरी नॉलेज है हमको। और लेकिन अगर दाल कोई और बनाए हमारे सामने लाए, हम कहें इसमें तो मिर्च ही नहीं है, इसमें तो मसाला ही कम पड़ा हुआ है, इसमें हल्दी है ही नहीं, जबकि बनाने वाले ने तो डाला है, उसको पता है पहले से। तो जब भी सीधा ऐसे नहीं कि 14 में लिखा है, 15 में लिखा है, 16 में लिखा है, 17 में, फिर कहानी बनती नहीं है। तो जरा दो लाइन नोट कर लीजिएगा, संविधान संविधान अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। लिखिए भारतीय संविधान अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। तो मूल अधिकार विशेषताओं का भी विशेषता रखता है। तो मूल अधिकार विशेषताओं का भी विशेषता रखता है। लिखें, यह संविधान का एक ऐसा मूल हिस्सा है जहां यह संविधान का एक ऐसा मूल हिस्सा है जहां व्यापक और विस्तृत अधिकार की चर्चा है। जहां व्यापक और विस्तृत अधिकार की चर्चा है,
और यह लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के अनुकूल है और यह लोकतांत्रिक प्रवृत्ति के अनुकूल है। ठीक है, अब कहीं भी मूल अधिकार लिख रहे हो तो ये दो ढाई लाइन लिख दीजिएगा, ये कॉमन लाइन हो गई। आपको दे रहे हैं कि जब प्रश्न आप लिखते हैं एग्जाम में तो शुरुआत के लिए आपको चीजें मिलती नहीं, वो प्राप्त हो गई। अब लिखिएगा इसकी यात्रा, मूल अधिकार की यात्रा, एक हेडिंग है। लिखें वर्ष या लिखें सन 1215 में इंग्लैंड के सम्राट जॉन, इंग्लैंड के सम्राट जॉन से नागरिकों को के मूल अधिकार को, नागरिकों के मूल अधिकार को इसी अधिकार पत्र से सुरक्षा मिली, इसी अधिकार पत्र से सुरक्षा मिली। यह पहला लिखित दस्तावेज है, यह पहला लिखित दस्तावेज। ठीक है, 1789 में बिल ऑफ राइट्स नामक दस्तावेज भी लिखा गया। 1789 में, बहुत बात की बात बता रहे हैं, 500 साल लिखा गया दस्तावेज लिखा गया जिसमें जनता के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का चित्रण मिलता है। जनता के अधिकारों और स्वतंत्रताओं का चित्रण मिलता है, जैसे बोलने की स्वतंत्रता, स्वतंत्रता हो गई ना, क्यों दुकान रेहड़ी पट्टी लगाना, सड़क के किनारे लुंगी बनियान बेचना देखते नहीं है गांव में, वो सब क्या है, वो आपको स्वतंत्रताएं मिली है ना। ठीक है, आगे लिखिएगा 1789 में जनता के मूल अधिकारों को फ्रांस में एक अलग रूप में घोषित किया गया जिसे मानव नागरिक के अधिकारों, मानव नागरिक के अधिकार, अधिकारों के घोषणा पत्र के रूप में पहचाना गया। ऐसे अधिकारों में प्राकृतिक, नेचुरल, जिसे बोलते हैं नेचुरल जस्टिस, नेचुरल राइट है ये, प्राकृतिक और मनुष्य के प्रवृत्त अधिकारों, पवित्र अधिकारों के रूप में स्वीकृति दी गई ऐसे अधिकारों को। लिखेगा, ध्यानतव्य हो, लिखिए ध्यानतव्य हो कि उक्त अधिकार, यानी जो ऊपर लिखा उपरोक्त अधिकार, संघर्षों के परिणाम रहे हैं और यह शक्तियां राज्यों के विरुद्ध मिली, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है, यह राज्य के विरुद्ध है, व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। ठीक है, लाइन को बदलेंगे, ये आ गया थोड़ा हिस्ट्री में आ गए आप, जरा लाइन बदल के आइए। लिखिएगा
मूल अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है। लाइन बदलिए, मूल अधिकारों को संरक्षण प्राप्त है, लेकिन अमेरिका में संवैधानिक रूप देते हुए बिल ऑफ राइट्स का समावेश किया गया। लिखें, अमेरिका में यह बात उभर कर सामने आई थी कि यदि जनता के अधिकारों का संरक्षक संसद होती है, यदि जनता के अधिकारों का यानी मूल अधिकारों का संरक्षक जनता होती है, तो समुचित न्याय का अभाव रहेगा, समुचित न्याय का अभाव रहेगा। जैसा कि औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश पद्धति में देखा गया, ब्रिटिश पद्धति में देखा गया, ऐसे में अगर न्यायपालिका संरक्षक होती है तो इसके अक्षुण्ण बने रहने की संभावना रहेगी। अगर न्यायपालिका संरक्षण करती है तो इसके अक्षुण्ण खतरे नहीं होंगे। भारतीय संविधान यही तर्ज है, भारतीय संविधान का यही स्वरूप। ठीक है, संविधान निर्माताओं ने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को देखते हुए, इतिहास से प्रेरणा लेते हुए मूल अधिकार को संविधान में समाविष्ट किया और सर्वोच्च न्यायालय को संरक्षक की स्थिति दी और सर्वोच्च न्यायालय को संरक्षक की स्थिति आपको यह पता चल चुका है कि कहां से मूल अधिकार चला और ये कहां, और आप कह सकते हैं कि यह मूल अधिकार संविधान से अमेरिका के संविधान से लिया गया, यह मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। अब आपने ये पूरी बात कह दी, एक प्रकार से इसकी यात्रा बता दी, उसका विकासात्मक पहलू बता दिया, इसको संवैधानिक यात्रा हो। लिखें, संविधान का परिभाषा और उसका उद्देश्य, लिखें मूल अधिकार की परिभाषा और उसका उद्देश्य, मूल अधिकार की परिभाषा और उसका उद्देश्य। संविधान में मूल अधिकार की कोई परिभाषा नहीं है, एकदम क्लियर। ठीक है, इसे प्राकृतिक और अप्रतिदेय का अधिकार माना गया, अप्रतिदेय। समझ रहे हैं ना, अप्रतिदेय। जैसे अगर आप ये कहें, भारत सरकार को बोले कि मैं तुम्हारा मूल अधिकार नहीं लेता हूं, तो ऐसा नहीं कर सकते। राज्य का मतलब संसद है, सरकार है, विधानमंडल है, स्थानीय प्राधिकारी इकाइयां हैं, वो बता देंगे बारे में भी। लेकिन अगर राज्य के विरुद्ध मिला है, अगर राज्य से आप कहें कि भैया हम तुम्हारा नहीं लेते मूल अधिकार, तो आप ये कर नहीं सकते। ये नेचुरल है और अप्रतिदेय,
लौटा नहीं सकते कि हमने लौटा दिया कर्ज की तरह, कि हम भारत के नागरिक तो हैं लेकिन तुम्हारा मूल अधिकार हम नहीं लेते, तो क्या वो राज्य मूल अधिकार ले लेगा क्या? नहीं। और यह न्यायालय में प्रवर्तित ले जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, सुप्रीम कोर्ट 226 के तहत उच्च न्यायालय में, क्योंकि न्यायालय इसकी संरक्षक है। और जहां पर ये अंकुश लगे, जहां पर ये दिक्कत आएगी, आर्टिकल 13(2) साफ साफ लिखा है, 13(1) में संविधान से पहले, 13(2) में संविधान के बाद। इसलिए संविधान के बाद गौर करने वाली बात क्या है मालूम है? आर्टिकल 13 में कहता है, 13(1) में, कि 26 जनवरी 1950 से पहले ऐसा कोई कानून बना हो जो संविधान के साथ असंगत हो तो उसको शून्य माना जाएगा। और 13(2) में कहता है कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर कोई ऐसा विधि बनाई जाती, कोई ऐसा नियम, ऐसा आदेश आता है जो संविधान के असंगत है तो शून्य माना जाएगा। ठीक, पहले वाले तो नहीं जानते थे कि 26 जनवरी 50 को संविधान लागू होगा और ये बात होगी क्या संगत संगत होगा। इसलिए पहले वाले जितने कानून है वो जिंदा रहते हैं, वो जिंदा रहते हैं, लेकिन जो बाद के कानून है वो जिंदा, वो उस तरह बनाए नहीं जाते। अगर गलती से बनाए गए तो फिर 13 आर्टिकल के तहत वो शून्य घोषित हो जाएगा। और जो पहले वाले हैं अगर आप उसका उपयोग ही नहीं कर रहे हैं तो वो कानून भी पड़े और हमारा मूल अधिकार भी चल रहा है। लेकिन नया वाला अगर आप बना भी रहे हैं ना, तो बनाने से पहले ही आप चौकन्ने हैं कि ये मूल अधिकार के साथ फिट नहीं होगा। ठीक है ना? तो 13(2) को लेकर के जो बात कही गई है उसमें जो इकाइयां हैं, जो राज्य हैं, राज्य में बहुत सारी चीजें मैं चर्चा करूंगा जब आर्टिकल 12 में आऊंगा, तो आप उसमें देखेंगे कि वो पहले से चौकन्ना रहते हैं। लोग कहते ना कि कोर्ट में जाएगा, रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, इसीलिए असंगत होगा ना वो। आगे लिखिए, इंग्लैंड के मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो बिल ऑफ राइट द्वारा जनता को दिए गए 1789 में, जो मैंने बताया 1689 में, बिल ऑफ राइट 1689 और फ्रांस में जो है 1789, 100 साल का अंतर है। बिल ऑफ राइट्स जनता को दिए गए अमेरिका और फ्रांस में, इसे नैसर्गिक और अप्रतिदेय माना गया। अप्रतिदेय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनलाइनेबल, इनलाइनेबल बोल सकते। इसकी स्पेलिंग होगी INALIENABLE, अप्रतिदेय मानी गई। भारत में लिखिए, गोलकनाथ के मामले में, गोलकनाथ का एक केस था चर्चित है ना, गोलकनाथ के मामले में सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने इसी रूप में संज्ञा दिया जो अमेरिका और फ्रांस में, नैसर्गिक और अप्रतिदेय। ठीक है ना? इसी रूप में संज्ञा दिया। तो कुल मिलाकर लिख लीजिए, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के रूप में ही इसे अंगीकृत किया गया है, जो अंगीकृत किया गया है जो नागरिकों के बौद्धिक नैतिक क्यों मिला है आपको? कह रहा उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य तो जान लीजिए ना। अभी आपने जान लिया कि क्या परिभाषा है, तो आप जान लो कि ये नैसर्गिक है, अप्रतिदेय है, जो मैंने अर्थ बता दिया, नेचुरल है, और आप किसी को बांटना या अपना छोड़ना ऐसा कोई तरीका इसमें विकसित नहीं कर सकते। और इससे फायदा क्या होगा? एक तो आपका बौद्धिक स्तर बढ़ेगा, स्वतंत्र रहते हैं तो बौद्धिक, पराधीन सपने सुख नहीं, जब हम लोग गुलाम थे तो सपने में भी सुख नहीं मिलता है ना, और आजादी में ऐसे जमीन पे भी अगर आप सो रहे हैं स्वतंत्र रूप से बढ़िया नींद आती है। तो लिख लीजिएगा, बौद्धिक नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए यह अत्यंत आवश्यक माना गया।
इतना ही नहीं यह अपरिहार्य है, इसके लिए इतना ही नहीं यह इसके लिए अपरिहार्य है, और इसके अभाव में क्या हो जाएगा, इसके अभाव में बहुमुखी विकास को व्यवधान मिलता है, व्यवधान आ जाएगा उसमें। तो आपने इसको नैसर्गिक देख लिया, समझ में आ रहा होगा आपको, और इधर अप्रतिदेय, और इस तरीके के दो भाव समझा, और इसमें आपने उद्देश्य में क्या पाया, बौद्धिक है, नैतिक है, आध्यात्मिक है, यह विकास के लिए अपरिहार्य है, और यह नहीं होगा तो कहां से विकास होगा, चौमुखी विकास के लिए ये इतना होना चाहिए। ठीक है, अब ये संविधान की बात थोड़ी क्या समझिए, संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो मैंने फ्रांस और अमेरिका से जोड़ के इसका नैसर्गिक स्वरूप बताया वो आप जान लिया, और फिर बाद में उद्देश्य बता दिया एक लाइन। ओके, अब आपको एक दूसरा हेडिंग बनाना है कि यह व्यक्तिगत और सामाजिक हित, लिख लीजिए हेडिंग, हाँ, में सामंजस्य का संदर्भ लिए हुए है, व्यक्तिगत और सामाजिक हित के सामंजस्य का संदर्भ से निहित है ये, ऐसा हेडिंग बना लीजिए, व्यक्तिगत और सामाजिक हित के सामंजस्य से युक्त प्रयास वैसे करता है, कितना प्रयास सफल हुआ ये देखते हैं, लिख लीजिए मूल अधिकार, कोई मूल अधिकार अत्यांतिक अधिकार नहीं है, अत्यांतिक मतलब अब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, ये अब्सोल्यूट नहीं है, यह लिखें असीमित नहीं है, यह असीमित नहीं है, यह पूर्ण नहीं है, यह कंप्लीट भी नहीं है, असीमित भी नहीं, अब्सोल्यूट नहीं है, यह नागरिकों के या व्यक्ति के, लिख सकते हैं व्यक्ति के बौद्धिक नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अपरिहार्य है, और इसकी उपलब्धता अपरिहार्य है, और इसकी उपलब्धता लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, लोक कल्याणकारी राज्य के आदर्श, लिख लीजिए हेतु आवश्यक है, अगर आप मूल अधिकार नहीं देंगे तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भी आपकी खतरे में, काहे का आइडियोलॉजी, जनता का शोषण, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में यह आवश्यक है, अगर इसे असीमित कर दिया जाए तो अराजकता की स्थिति बन सकती है, असीमित किया जाए तो अराजकता की स्थिति बन सकती है, और असीमित स्वतंत्रता का लाइसेंस मिल सकता है, परमिट जिसको बोलते हैं, मतलब असीमित स्वतंत्रता का लाइसेंस मिल सकता है, और दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों में यह स्वयं बाधा बन सकता है, और दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों में यह स्वयं बाधा बन सकता है। ध्यान क्या देना है, ध्यान यह देना है बच्चा कि यह अधिकार राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, न कि व्यक्ति से व्यक्ति के आपस में अशांति के लिए है, यह राज्य के विरुद्ध प्राप्त है, न कि समाज में अशांति के लिए, ऐसा लिख सकते हैं, समाज में शांति के लिए, ठीक है, हाँ,
असीमित या फिर बिना निर्बंधन के, असीमित या फिर बिना निर्बंधन के इसका, इसकी स्वतंत्रता का दुरुपयोग हो जाएगा। और कई इसका उपयोग भी नहीं कर पाएंगे, कई दुरुपयोग करेंगे, कई उपयोग भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लिखे, समाज में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, ये टिप्पणी जैसा बन जाएगा, समाज में रहने वाला प्रत्येक नागरिक एक दूसरे के अधिकार का उपयोग नहीं करता है, बल्कि उसके अधिकार के प्रति आदर रखता है। उसका अधिकार प्रयोग नहीं करता है, बल्कि उसके अधिकार के प्रति आदर रखता है। ऐसे में सामाजिक हित का टकराव रुक सकता है। ऐसे में जो हितवाद होता है ना, या व्यक्तिगत या सामाजिक हित, टकराव के बजाय सामंजस्य की ओर जाते हैं। ऐसे में व्यक्तिगत या सामाजिक टकराव के बजाय सामंजस्य की ओर जाते हैं, क्योंकि क्योंकि इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये बताया हूं पहले, क्योंकि ये इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन है। ऐसे में इसकी परिसीमा निश्चित है, इसकी परिसीमा निश्चित है। ठीक है, ओके, उदाहरण लिख लीजिए, एग्जाम्पल इसमें, जैसे आर्टिकल 19 में नागरिकों को स्वतंत्रताएं दी गई, छह प्रकार की स्वतंत्रताएं, है ना, छह प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई, और इसी में अनुच्छेद 19(2) में 2 से 6 तक लिख लीजिए, अनुच्छेद 2 से 6 तक निर्बंधन की भी बात कही गई, उसमें 6 प्रकार वैसे देखेंगे निर्बंधन, 19(2) में निर्बंधन की भी बात कही गई, 19(1) में स्वतंत्रता दी गई, 19(2) में देखेंगे उसमें निर्बंधन की बात कही गई। इसका मतलब ये एब्सोल्यूट नहीं है। इतना ही नहीं, जैसे युद्ध होने की स्थिति में वहां आक्रमण हो जाए, और जो 352 का मैं उल्लेख कर रहा हूं, सशस्त्र विद्रोह की बात कर रहे हैं, तो 44वें संविधान संशोधन में थोड़ा चेंज है, मैं बताऊंगा उसको, तो आप 352 लगा सकते हैं। 352 लगाने में 358 आर्टिकल, 359 आर्टिकल का अपना एक संदर्भ है, जिसकी चर्चा जब बताएंगे तो करेंगे। तो ये सब चीजें एब्सोल्यूट नहीं होने के कारण है। अब एक हेडिंग बनाइएगा, कि नैसर्गिक न्याय या एक विधि प्रक्रिया में क्या अंतर हो सकता है। नैसर्गिक न्याय एक नैसर्गिक नेचुरल जस्टिस है, में एक विधि प्रक्रिया में क्या अंतर है। लिखें, लिखिएगा, आर्टिकल 21 में बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं, ठीक है, जिसे लेकर के कई प्रकार की चिंताएं देख सकते हैं। न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि अनुच्छेद 21 के तहत
अब देखिए हम बीच बीच में चले गए ना, ऐसे होता है तुलना, ऐसे नहीं 20 में 18 में 17 में पहले पढ़ा लो तब। अभी आपको हम इन शब्दावली, अब इन्हीं के साथ जब खेलियां खेलेंगे अंदर चल के ना, आपको पता रहेगा। लिखिए 21 के अधीन प्रक्रिया न्यायपूर्ण उचित और युक्ति युक्त होनी आवश्यक है। युक्ति युक्त होनी आवश्यक। नैसर्गिक न्याय आर्टिकल 21 के अधीन, नैसर्गिक न्याय आर्टिकल 21 के अधीन, ठीक है, नैसर्गिक न्याय आर्टिकल 21 के अधीन उचित प्रक्रिया का एक आवश्यक तत्व है। लिखें, भारतीय संविधान में अमेरिकन पदावली, पदावली मतलब पद, जो शब्द हैं जो दिए गए हैं, जैसे हम आर्टिकल 12 बताएंगे तो आपको और डिटेल बताएंगे। पदावली समयक विधि प्रक्रिया का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया हमारे संविधान में। अमेरिकी जो पदावली है, समयक विधि प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है, बल्कि नैसर्गिक न्याय का संदर्भ लिया गया है। लिखें, प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय के आवश्यक सिद्धांतों का, गौर करिएगा बात को, प्रक्रिया में नैसर्गिक न्याय के आवश्यक सिद्धांतों का समावेश होना जरूरी है, आवश्यक है, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति, जिसके बिना कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति को उसकी वैयक्तिक स्वतंत्र स्वाधीनता, सेल्फ जो इंडिपेंडेंसी है, से वंचित नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 21 जीने का अधिकार देता है, पीने का अधिकार देता है स्वच्छ पानी, चिकित्सा का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है। और जरा राष्ट्रपति शासन लगा कर, सॉरी 352 लगा करके भी जरा उसको समाप्त करके दिखाई, उसको समाप्त करने का मतलब समझ रहे ना, उसकी वैयक्तिक स्वाधीनता से भी उसको वंचित कर दे। तो हमने जो अमेरिका में प्रक्रिया है, समयक विधिक प्रक्रिया, हमने यहां कोई चांस ही नहीं छोड़ा, ठीक है। थोड़ी सी बात बतानी थी अमेरिका से तुलना करके, अब कितना समझ में आया आप एक बार पढ़ लीजिएगा, एक हेडिंग और बनाइए, थोड़ा थोड़ा बिंदु समझा दे तो आपको मजा आएगा। मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकार, एक हेडिंग बनाइए, मानवाधिकार और संवैधानिक अधिकार लिखिएगा। उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल फिलहाल के निर्णयों में मानवाधिकार को बहुत महत्व दिया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने हाल फिलहाल के निर्णयों में मानवाधिकार को बहुत महत्व दिया है, ठीक है, मानवाधिकार को बहुत महत्व दिया है। और अनेक अधिकारों को आर्टिकल 21 के अधीन सम्मिलित किया है, सम्मिलित किया, ठीक है, जो मानव जीवन को पूरी तरह, जो मानव जीवन को पूरी तरह गरिमा में जीने के लिए आवश्यक है,
क्या समझे? गरिमा में जीने के लिए आवश्यक और राज्य पर उन्हें पर्याप्त संरक्षण प्रदान करने का दायित्व आरोपित किया है, आरोपित करता है। लिखिए, उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण दे रहा, ये कहीं भी फिट कर लीजिएगा, बट दैट इज अ वेरी वेरी एंड वेरी एक मतलब बहुत ही अच्छा उत्तर बन जाता है इन चीजों से। और उसमें लिख लीजिए, जैसे कारागार में बंद कैदियों के प्रति, उदाहरण पहला लिख लीजिए, जैसे कारागार में बंद कैदियों के प्रति अमानवीय और क्रूर व्यवहार के विरुद्ध संरक्षण देने के लिए मानवाधिकार का प्रयोग किया, मानवाधिकार का प्रयोग, जबकि उनका नैसर्गिक अधिकार छिन चुका है, लेकिन मानवाधिकार बचा हुआ है। कोई व्यक्ति जब अपराध करता है तो उसको जेल हो जाती है, तो स्वतंत्र नहीं रह सकता, तो जेल जाने से उसके स्वतंत्र, यानी कि जो मूल अधिकार में जो उसकी स्वतंत्रता, वो तो बाधित हो सकती है, लेकिन किसी भी दशा में फंडामेंट उसका ह्यूमन राइट बाधित नहीं कर सकता, उसका मानवाधिकार रहता ही है। एक तो इस पे काम किया तो बड़ा क्लैरिटी आ गया इससे। नेक्स्ट लिख लीजिए, महिलाओं के प्रति किए गए, बड़े ज्वलंत उदाहरण है निर्भया और व्या के केस से, तमाम से देखेंगे बहुत मिलेगा आपको, महिलाओं के प्रति किए गए अनेक प्रकार के अमानवीय अत्याचार, के विरुद्ध जो संरक्षण मिला, ठीक है ना, ये सब न्यायालय के ने बड़ा ध्यान दिया इसके। आगे लिखें, एकांत का अधिकार, आपने देखे होंगे एकांत का अधिकार लोग मांगते हैं, शुद्ध पानी पीने का अधिकार, सब आर्टिकल 20, आप जाएंगे 21 का था ऐसा करके देखेंगे मिला हुआ है। आगे लिखें, शुद्ध जलवायु का अधिकार, ठीक, बच्चों के विरुद्ध किए गए अत्याचार से संरक्षण, ठीक है। आगे लिखिए, आश्रय का अधिकार, निःशुल्क विधिक सहायता देने का अधिकार, ये सब मानवाधिकार के कसौटी पे कस दिए गए। चिकित्सा पाने का अधिकार, अब देखिए इसको कई, तो इसमें आप देखेंगे संविधान में सब लिखा हुआ बताऊंगा आदि को संवैधानिक अधिकार भी देते हुए, आदि में कई को संवैधानिक अधिकार देते हुए, है ना, मूल अधिकार को विस्तृत बना दिया गया, पहले नहीं था ये, तो हाल फिलहाल के निर्णयों में ये सब आ गए, तो ये विस्तृत बन गया मूल अधिकार। तो मूल अधिकार और मानवाधिकार का बड़ा युगल बंदी है, आप इतना बात समझ गए एग्जाम्पल्स से। अब इसकी जब चर्चा होगी आगे, हम आपको जिक्र करेंगे तो कई चीजों को आप इसको समझते रहेंगे, ठीक है। अब आगे हम लिखेंगे अमेरिका की स्थिति, लिखिए मूल अधिकार को लेकर, अमेरिका की स्थिति, ओके, मूल अधिकार को लेकर अमेरिका की स्थिति में लिखें, अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार का कोई उल्लेख नहीं था,
हमारे मूल संविधान में उनके नहीं था। अमेरिका के मूल संविधान में मूल अधिकार का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। बाद में पहले दस संशोधन, यानी कि पहले से लेकर दस संशोधन के बीच में अधिकार घोषणा पत्र जोड़ा गया, अधिकार घोषणा पत्र जोड़ा गया, और इसी घोषणा पत्र से अमेरिकियों को कई मूल अधिकार मिले, कई मूल अधिकार प्रदान किए गए या उनको मिले। परंतु देखिए हमारे यहां क्या है, हमारे यहां मूल अधिकार दिया गया है तो उसका निर्बंधन भी है, एब्सोल्यूट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये असीमित है, दिए गए मगर निर्बंधन का कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, कोई रोक टोक नहीं था, जिसके चलते समय के साथ कई कठिनाइयां आने लगी। और सामाजिक हित को देखते हुए वहां भी वैयक्तिक स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन की आवश्यकता महसूस की गई। चूंकि संविधान में इसकी कोई व्यवस्था न होने के कारण, कोई संविधान में मूल अधिकार लिखा नहीं था, न होने के कारण है ना, इसका दायित्व तो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को निभाना पड़ा, उठाना पड़ा। इसका दायित्व तो उसने निभाया, कहां रोकना है कहां टोकना है, क्योंकि संविधान में तो लिखा नहीं था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने व्याख्या किया है कि व्याख्या किया और राज्य शक्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया। राज्य शक्ति को बच्चा कहीं कहीं पुलिस पावर भी कहा जाता है, पुलिस पावर, स्टेट पावर, ऐसा। इसके अधीन न्यायालय, राज्य शक्ति के अधीन न्यायालय सरकार को समाज कल्याण, सुरक्षा, शांति व्यवस्था, सुरक्षा फिर लिखिए शांति व्यवस्था के हित में नागरिकों के मूल अधिकार पर निर्बंधन लगा सकती है। ये अमेरिका की बात बताया है ना, नागरिकों के मूल अधिकार पर निर्बंधन लगा सकती है। क्या लगा सकती है? समाज कल्याण, जैसे हमारे यहां समाज हित में बताया था अभी आपको, थोड़ा अमेरिका से तुलना करके, और हमने बताया शांति व्यवस्था, सुरक्षा में, ये जाहिर है यही होता ही, तो इसमें निर्बंधन लगाया जा सकता है। और इसी से यह पता चलता है, बहुत ही देखो ऐसे ही होते कानून, ऐसे ही होता, कानून पूरा नहीं बोलता, कानून संकेत करता है। बहुत सारा कानून है यार कहां का, इसीलिए तो मामला उलझ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। ऐसे इससे यह स्पष्ट हो गया कि समाज का हित यानी सामाजिक हित व्यक्तिगत हित से ऊपर है, सर्वोपरि है। सामाजिक हित व्यक्तिगत हित से सर्वोपरि, यानी कहने का मतलब इससे यह पता चल गया कि आपको जो व्यक्तिगत अधिकार मिले हैं वह अगर समाज कल्याण, सुरक्षा और शांति के मामले में खतरे उत्पन्न करेंगे तो उसकी निर्बंधन लगाएंगे। क्यों निर्बंधन लगाएंगे? क्योंकि समाज हित सर्वोपरि है। तो संविधान बच्चा इससे मिलता जुलता हमारे देश में भी इसको
इसका संकलन बाद जो दृष्टिकोण है आप इसी तरीके का है, क्योंकि हमने आपको थोड़ा जिक्र किया कि एब्सोल्यूट नहीं है और ये सामाजिक और व्यक्तिगत हितों का सामंजस्य है। आप अपने अधिकार का उपयोग करिए, लेकिन कोई अधिकार न उपयोग कर पाए ऐसी कोई व्यवधान मत पैदा करिए, वरना आपके साथ अन्याय। आप चले जाएंगे जैसे जेल में गए, तो जेल में तो जाएंगे तो मूल अधिकार छिन गए, मानवाधिकार जिंदा है, आप उतना मूल अधिकार तो छीना ना आपका। तो जो ये है ये सर्वोपरि हो गया समाज में। तो समाज में इसीलिए देखिए बड़ा अच्छी बात है कि आप मूल अधिकार का उपयोग करिए, कोई नहीं रोक टोक है। बट जब आप इसको असीमित समझ लेंगे, इसको आप सामाजिक हित से मतलब परे मान लेंगे, तब खतरे पैदा हो जाएंगे। तो एक लाइन में और लिखा देते हैं, भारतीय संविधान में, लाइन बदल दीजिए, भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान की तरह, भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान की तरह है, अमेरिका के संविधान की तरह मूल अधिकारों पर निर्बंधन, मूल अधिकारों पर निर्बंधन मतलब प्रतिबंध जिसको कह सकते हैं, निर्बंधन का काम न्यायपालिका पर नहीं छोड़ा गया है। यह निर्बंधन संविधान स्वयं निहित करता है, यह निर्बंधन संविधान स्वयं में निहित रखता है, संविधान निर्माताओं ने दिया है। अर्थात लास्ट लाइन है कि भारतीय संविधान अधिकारों का भी उल्लेख करता है और उस पर निर्बंधन की भी बात करता है, दोनों बात करता है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। आ गए होंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक, लेकिन जब निर्बंधन लगता है ना, माना तो राज्य लगाएगा, निर्बंधन व्यक्ति नहीं लगाएगा, ध्यान रखना। कई केसेस बच्चे ऐसे हम बताएंगे, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आपको, एक बार एक बैंक था, सेंट्रल बैंक, उसने अपने कर्मचारी का जो संपत्ति थी उसको हड़प लिया, वो कर्मचारी चला गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसकी संपत्ति हड़पने का तुमको अधिकार इसलिए नहीं है क्योंकि तुम राज्य थोड़ी हो, ये तो राज्य के विरुद्ध शक्ति मिली है ना उसको, व्यक्ति के विरुद्ध थोड़ी। अगर एक व्यक्ति आपका प्लॉट कब्जा कर ले तो वो कब्जा करने का किस अधिकार के, क्या कारण है कब्जा करना है, वो तो अपराधी हो जाएगा। और राज्य अगर युक्ति युक्त, इसलिए कहा जाता है युक्ति युक्त, अगर युक्ति युक्त कोई तरीका है, विश्वविद्यालय बनाना है, लोक कल्याण का काम करना, अस्पताल करना है, किसी की जमीन कब्जा करता है या कोई उसकी संपत्ति का कब्जा किया, उसका व्यक्तिगत कोई नुकसान है, युक्ति युक्त अगर वो ठीक है तो अलग मुद्दा हो गया। तो उसको उसने कहा कि तुम राज्य, तुम तो व्यक्ति हो, बैंक को बोला कि तुम एक व्यक्ति ही हो, जैसे कंपनी एक व्यक्ति होती है। अब एक कंपनी और एक विधानमंडल में अंतर ही नहीं है क्या? तो स्थानीय प्राधिकारी, जो प्राधिकारी है, ये शब्द भी समय समय पर सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता रहा है। जैसे एयरपोर्ट जो है क्या है, एक व्यक्ति माना जाए, एक प्राधिकार माना जाए, कहते हैं ना अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पोर्ट है, एयरपोर्ट है, तो ये कोई आदेश निर्देश तो ये भी जारी करते हैं ना, तो इनको सरकार की एक राज्य के अंतर्गत डिफाइन चीज मानी जाए या एक व्यक्ति मानी जाए, ये सब चीज बीच बीच में थोड़ा विधिक थोड़ी चर्चा कर लेंगे, ताकि आपको संविधान के पूरे मूल अधिकार और राज्य की पूरी धारणा अवधारणा आपको समझ में आ जाए, फिर उसके बाद तो रट डालिए सब वही चीज। तो उसमें उसको मना कर दिया, नहीं नहीं हड़प सकते। खैर यहां पे लिखें, आप आगे लिखें, मूल अधिकार का निलंबन, एक हेडिंग बना लीजिए, मूल अधिकार का निलंबन। आपको सारी चीज अभी हम बता दे रहे हैं,
ताकि हमको पढ़ाते समय आप क्लियर रहे, है ना, उसका नेचर बता दे रहे हैं, उसका अर्थ बता दे रहे हैं, उसकी परिभाषा बता दे रहे हैं, उसकी कसौटियां बता दे रहे हैं, अमेरिका में क्या है थोड़ी तुलना कर दे रहे हैं, तो ताकि आप सकुशल रहे। पहले सब बचने का पूरा उपाय बता दे रहे हैं ताकि, और एक कंसेप्ट आपके अंदर आ जाएगा। और जो नए स्टूडेंट्स हैं बेटा, इसको थोड़ा समझते रहो, थोड़ा जल्दी नहीं समझ में आएगा। अभी तो हम बड़े क्लियर कट बातें कह करके, हेडिंग बना बना के क्लियर कट बातें कह करके समझा रहे हैं। इसके कॉम्प्लिकेशंस में जाएंगे तो आप मेंटल, आपका जो लाइन है, जो सेटअप तैयार हो चुका होगा, क्योंकि मैंने संविधान जो है ना, अच्छा, एक विधि है, और विधि का ज्ञान जो होता है कभी कभी संकेत से भी करना पड़ता है, युक्ति युक्त भी करना पड़ता है। अब एक तरफ हम बोल रहे हैं व्यक्तिगत हित और सामाजिक हित में सामंजस्य, वहीं पर जैसे ही हमको संकेत मिला हमने तुरंत बोल दिया कि इसका मतलब है कि व्यक्तिगत हित से ऊपर है सामाजिक हित। ये तो कहीं नहीं बोला है किसी ने, ये बोलना पड़ता है, ऐसा बनाना पड़ता है, तभी तो आप विचारक और चिंतक और संविधान के समझदार कहलाएंगे। नहीं तो जो संविधान में लिखा वो थोड़ी पूछता है यार, आर्टिकल 14 पर टिप्पणी करिए, कौन सा ये पेपर में लिखा है, ये कहां लिखा हुआ है। तब अभी आपने देखे होंगे कि कोरोना के ये जो मजदूर पैदल जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने किराए उराए की बात कही कि किराया नहीं, उनको घर पहुंचाइए, सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया था। आप बता सकते हैं कि किराया देना, अगर राज्य को ये कहा जाए कि आप इनको किराया, मतलब अपने खर्च पे मान लिया पहुंचाने की बात कही जाए सपोज, तो क्या ऐसी स्वतंत्रता मूल अधिकार में है क्या कि कोई कहीं फंसा हो तो राज्य उसका किराया दे, है ना, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है ना संविधान में। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था वह संवैधानिक मापदंडों में अगर आप देखें तो मूल अधिकार में क्या क्या उसका संदर्भित संदर्भ निहित था या मानवाधिकार में। हाँ, जेल में अगर कैदियों को यातना दें, उनको भोजन ना दें, उनको दिक्कतें पैदा करें, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट आती है तो वो किस दायरे में रखी गई, बताया तो आपको मानवाधिकार के दायरे में, है ना। और जब संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकार में तुलना करना होता है तो सबको समझ में नहीं आता है, फिर सुप्रीम कोर्ट बताएगा। लिखिए जरा मूल अधिकार का निलंबन, लिखिए मूल अधिकार अत्यंतिक अधिकार नहीं है, मैं पहले भी बताया था, एब्सोल्यूट नहीं है। अर्थात इस पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, ठीक, युक्ति युक्त निर्बंधन लगा सकते हैं। संविधान की परिस्थितियां यह भी स्पष्ट करती हैं कि राज्य को यह अधिकार है कि सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर, राज्य को यह अधिकार है, राज्य का मतलब बहुत सारा चीज आता है उसमें, सरकार भी है, विधान मंडल भी है, संसद भी, सब है, स्थानीय म्युनिसिपैलिटी वगैरह सब है। राज्य को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित में मूल अधिकार को निलंबित कर दे, निलंबित कर दे या उस पर निर्बंधन लगा दे, ठीक है, या उन पर निर्बंधन लगा दे। लिखें, लाइन बदल दें, आर्टिकल 13 के अनुसार राज्य द्वारा पारित ऐसी सभी विधियां अवैध एवं असंवैधानिक होंगी। 13 के अनुसार राज्य द्वारा पारित ऐसी सभी विधियां अवैध और असंवैधानिक होंगी जो संविधान के भाग 3 में निहित मूल अधिकार पर को चोट पहुंचाती है। यही लिखा है ना,
यही लिखा है ना, आर्टिकल 13(2) में जाइए तो लिखा है कि 26 जनवरी 1950 के बाद यदि कोई ऐसी विधि बनाई जाती जो संविधान को कमजोर करेगी, चोट पहुंचाएगी, तो उसको शून्य कर देंगे। यही तो बात लिखा है। अब लिखिए, चोट पहुंचाती हैं, कम करती हैं, छीनती हैं, तो उन्हें शून्य कर सकते। लेकिन अनुच्छेद 35 इसका अपवाद है, ठीक है, 35 इसका अपवाद है। अब यहीं पर 35 में पढ़ा दे रहा हूं, वहां झंझट नहीं रहेगा। 33, 34, 35 है कि नहीं है, तो मैं यहां 33, 34 आपको पढ़ा दूंगा, 368 पढ़ा देता हूं क्या है, और आपको 352 भी बताऊंगा क्या है। मैं चार आर्टिकल अभी बता देता हूं। 352 आपात, क्योंकि वहां पर भी निलंबन हो जाता है। 368 में ये कहा गया कि 368 के तहत संशोधन और एक सामान्य विधि प्रक्रिया के डिफरेंसेस इसको कैसे देखें वो बताऊंगा, और अभी 33 की बात कर रहा हूं। तो लिख 33 अपवाद है, तो लिखिए अनुच्छेद 33 एक हेडिंग बनाइए छोटी सी, लिखें संसद को यह शक्ति प्राप्त है, फटाफट लिख ले बच्चा, संसद को यह शक्ति प्राप्त है कि वह प्रतिरक्षा सेना के सदस्यों के संबंध में, डिफेंस के सदस्यों के संबंध में मूल अधिकारों का, उनके संबंध में मूल अधिकारों का, ठीक है, किस मात्रा तक समाप्त या निर्बंधित, समाप्त या कम कर सकती है, ताकि वहां अनुपालन बना रहे, समझ गया ना, जितना रुकावट बनेगा उतना कम किया जा सकता है, ताकि वहां दिक्कत ना आए कोई, ताकि वहां अनुपालन बना रहे। इस तरह इसे सर्वोच्च न्यायालय में आर्टिकल 32 के अंतर्गत चुनौती देना कठिन हो जाता है, तो 33 में जो ये बात कही गई, यहां पर यह सीमित हो, अब्सोल्यूट नहीं है ना, मैं बोला हूं संसद ने 1950 में नौसेना, वायुसेना और सेना अधिनियम पारित किया था, और अगर ये पारित करने से मूल अधिकार को झटका लगता है, लेकिन चूंकि जैसे मैंने बोला कि प्रतिरक्षा के सदस्यों के उचित पालन और अनुशासन के लिए ये जरूरी है, तो मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, यहां यह अपवाद है, ठीक है। आर्टिकल 34 लिख लीजिए, अनुच्छेद 34, 33 हो गया, 34 लिख लीजिए, अनुच्छेद 34 संसद को मूल अधिकारों पर शक्ति देती है। क्या देती है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू हो, ठीक है ना, आर्म्स लॉ लागू हो, फोर्स लागू, सेना की विधि लागू हो, आर्मी की, तो वहां मूल अधिकार पर निर्बंधन की शक्ति मिलती है, तो वहां उसे निर्बंधन की शक्ति मिलती है, ठीक है, सेना विधि लागू है लेकिन मूल अधिकार वहां कम होता है, खत्म होता है, तो ये 34 में अपवाद है ये, और आप फिर नहीं जा सकते 35 के तहत। ऐसे में संसद
विधि द्वारा, लॉ द्वारा मूल अधिकार को पूरी तरह या कुछ अंश समाप्त कर सकती है। और ऐसी स्थिति में न्यायालय में भी है ना, सुनवाई संभव नहीं। नोट करके लिख लीजिए, संसद क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके, संसद क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके ऐसी अवधि में जिस समय यह हुआ था, इस अवधि में सेना प्राधिकारियों द्वारा, सेना प्राधिकारी यानी सेना जो प्रशासनिक अधिकारी हैं द्वारा, अथॉरिटीज द्वारा सेना विधि के अंतर्गत जो दंड दिया गया या जो कार्य किया गया उन्हें विमुक्ति प्रदान कर सकती है। दंड दिया है तो आप भी नहीं कह सकते कि अब तो हट गया, आपने तो अधिकार का उल्लंघन किया था, विमुक्त कर सकती है। दो चीज आप जान गए, अगर किसी क्षेत्र में विधि व्यवस्था जैसे हमने कहा, और अगर कहीं पर सेना वाला मसला हो गया, 33-34 इसका अपवाद है। अब जरा लिखिएगा, लिखिए आपात उपबंध में, लिखिएगा आपात घोषणा में मूल अधिकार, यहां भी निलंबित होता है, तो जहां पर निलंबित है मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं। लिखे राष्ट्रीय संकट यह दिग्दर्शित करता है, राष्ट्रीय संकट यह दिग्दर्शित करता है कि स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा बड़ी होती, कि स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा बड़ी होती। व्यक्तिगत स्वतंत्रता लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। संविधान के अनुच्छेद 352, संविधान के अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात के लिए जाना जाता है। 352 में बच्चा राष्ट्रीय आपात के लिए जानते हैं, और तीन तरीके से यह आपात लग सकता है, जिसके तीन तरीके हैं। पहला लिखो बाह युद्ध या बाह आक्रमण, युद्ध या बाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, तीनों हो गए, युद्ध हो, बाह आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह, ठीक है। अब जरा यहीं पे संशोधन कर लीजिए, लिख लीजिए 44वें संविधान संशोधन में, फट से लाइन लाया करिए, जब भी एग्जामिनर तभी नंबर देगा, एग्जामिनर कभी नंबर नहीं देता कि आज की बात आप परसों बता रहे हैं, तुरंत संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 में, वैसे 44वें से भी काम चल जाएगा, 1978 ना लिखना हो ना लिखिए, लेकिन जानकारी के लिए लिख लीजिए क्योंकि पढ़ाई है। 1978 में यह स्पष्ट किया गया कि आर्टिकल 19(1)(क) में, 19(1)(क) में प्रदत्त अधिकारों को, 19(1)(क) में ध्यान रखना, प्रदत्त अधिकारों केवल देश पर, ध्यान रखना कोट कर रहा हूं, 19(1)(क) पर प्रदत्त अधिकारों को केवल देश में युद्ध और बाह आक्रमण,
के कारण उत्पन्न संकट के चलते निलंबन किया जा सकता है, के चलते निलंबन किया जा सकता है। यहां सशस्त्र विद्रोह को हटा दिया गया, अब दो ही हुआ, सशस्त्र विद्रोह को हटा दिया गया, ठीक है। लिखें आर्टिकल 358, आर्टिकल 358 उनको संरक्षण प्रदान करता है जो आपात से संबंधित हैं। 352, 358, अभी हम 359 की भी बात कर लेंगे, उन्हें जो आपात से संबंधित है और अन्य को आपात में भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, और अन्य को आपात में भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती, आर्टिकल 359 में यह कि राष्ट्रपति को अब आर्टिकल 20-21 निलंबित करने की शक्ति नहीं होगी, उधर 19 हो गया, इधर 20-21 निलंबित करने की शक्ति नहीं होगी। यह भी आर्टिकल 359 में स्पष्ट कर दिया, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार पढ़े। उदाहरण लिख लीजिए, लिखिएगा उदाहरण 1975 के आपात में जो खतरे थे उसे ध्यान में रखते हुए संशोधित मापदंड विकसित किए गए ताकि घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके, अब आइए ट्रैक पे, थोड़े ट्रैक पे आ जाइए। लिखें स्पष्ट है कि आर्टिकल 358 आर्टिकल 358 और 359 को 352 से गहरा संबंध 352 से गहरा संबंध है। ठीक है, ये थोड़ा मैंने यहां पर चर्चा के थोड़ा पढ़ लीजिएगा, आगे लिखिएगा 368, आर्टिकल 368 इसमें और थोड़ा डिटेल कहिए तो लिखा दूं क्या, एक टिप्पणी बना लीजिएगा, थोड़ा सा लिख लीजिए, एक लाइन नीचे और लिखिए, दो लाइन लिखिएगा कि संकट की अवस्था में, लाइन बदल के आर्टिकल 352 के तहत आपात की घोषणा की जा सकती है, संकट मतलब वो जो बताया था, या ऐसी घोषणाएं संकट के सन्निकट भी की जा सकती, कोई जरूरी नहीं कि हो तभी, सन्निकट होने वाली है तब भी की जा सकती। ये संशोधन के लिए हम दिखाना चाह रहे थे क्योंकि ये चीजें अभी बची हुई थी।
तात्पर्य है कि युद्ध या बाह आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, संशोधन में बता दिया था, पहले की बात बता की स्थिति में भी 352 लागू किया जा सकता है, संभावना पर भी, मतलब उसके वास्तव स्थिति आने से पहले। जैसे यार कोरोना आ रहा है, उसके पहले आप आइसोलेशन सेंटर बना लो। लेकिन राष्ट्रपति देश में आपात के विद्यमान होने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा कर लेंगे तो सेंटेंस अच्छा हो जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा देश के आपात के विद्यमान होने की घोषणा का नागरिकों के मूल अधिकार पर महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जाता है, महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जाता है। आर्टिकल 358 जो मैं लिखा चुका हूं, यह उपबंधित करता है कि जब आपात की स्थिति होगी तो अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाएंगे। और जब ये निलंबित हो जाते हैं तो बच्चा आप ये समझ लेना कि जो सरकार है और जो विधायिका है वह काम जो करेगी ना वो इसको ध्यान में रख के नहीं करेगी, एक प्रकार से समझ वो उस पे भी दखल हो जाएगा उसको। लिखे अनुच्छेद 359 द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान की गई है 359 कि वह मूल अधिकारों के न्यायालय द्वारा जो प्रदत्त अधिकार हैं, मूल अधिकारों पर न्यायालय द्वारा प्रवर्तन के अधिकार का निलंबन कर सकता है। प्रवर्तन ले जाना मतलब का भी अधिकार का भी निलंबन कर सकता है। ऐसा करने, एक लाइन और लिखाऊंगा, ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करना होगा। और उनमें अधिकारों को लिखेगा कि वह आपातकाल में इन्हें निलंबित करना चाहता है। बाकी चर्चा बीच में आएगी जब 352 वगैरह आएगा, मूल अधिकार में ही थोड़ी आ जाएगी, समझ लीजिएगा। अब लिखिएगा आर्टिकल 368, एक और लिखिए, अब लिखिए, लिखें विहित मापदंडों में, विहित मतलब विधिवत, विधि के हित, विहित मापदंडों में आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की समुचित प्रक्रिया देता है, संविधान संशोधन की समुचित प्रक्रिया देता है। मैं आपको दो केस से चर्चा कराता हूं, लिखिएगा शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा, शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन के चलते आर्टिकल 368 के तहत या अंतर्गत संविधान संशोधन के चलते मूल अधिकारों को जो संविधान के भाग 3 में हैं लिया जा सकता है, मतलब
संशोधन करके लिया जा सकता है, को लिया जा सकता है, कमजोर किया जा सकता, छीना जा सकता है। और ऐसी विधि आर्टिकल 13 से जोड़िए, जहां पर भाग को 13 और 32 जुड़ता है ना, कहां से उसको जुडिशियल रिव्यू, उपचार का अधिकार आपका है यार, 32 में जाते हैं। और वो जुडिशियल रिव्यू देखेगा कि क्या ये मूल अधिकार कोई नुकसान पहुंचा रहा, कहां है उसका राइट, 13 में जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 32 में प्रयुक्त विधि, विधि है शब्द 13 में, राज्य है 12 में, अब विधि क्या होती है वो 13 में पहुंचकर डिटेल करेंगे उसको। चार विधि है, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, चार बाद में आया है, बहुत झगड़ा हुआ उधर 24 में संविधान संशोधन और कहां कहां से उधर लफड़ा हुआ था। लिखिए 13 में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत नहीं आती है, ऐसी विधि बोल दिया क्या, ऐसी विधि आर्टिकल 13 में प्रयुक्त विधि के अंतर्गत नहीं आती, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, मामला गड़बड़ हो जाएगा इससे, तो फिर तो छीन लिया, विधि में आती ही नहीं तो आप बहुत कुछ करेंगे नहीं। लाइन बदलिए, गोलकनाथ के मामले में, गोलकनाथ और पंजाब राज्य का मामला सुने होंगे, गोलकनाथ और पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया। शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया। अब क्या पलट दिया, वही पलट दिया होगा, लेकिन लिख लो ना क्या पलट दिया, क्या कहा लिखें, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन करके मूल अधिकार को संसद नहीं छीन सकती, मूल अधिकार को संसद नहीं छीन सकती। आर्टिकल 368 के अधीन या अंतर्गत केवल, बात को गौर करना, यहीं पे अंक मिलते हैं जब आप मजबूत चीज देते हैं, और यहीं पे प्री में आईएएस में कम से कम उलझने से बच जाते हैं। आर्टिकल 368 के अंतर्गत केवल संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया निहित है, यह भी बोला कि 368 केवल संविधान संशोधन की प्रक्रिया निहित है, यह संसद को, बड़े काम की बात फिर लिखा रहा हूं, यह संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति नहीं देता है। संविधान संशोधन करो, लेकिन मूल अधिकारों को संशोधन करने की शक्ति नहीं देता है। कमाल की बात कहती ना, तो यहां 368 कुछ भी कर ले, अब जरा इससे क्या संकेत मिला, संकेत मिलता है ना, ऐसे ऐसे कुछ संकेत मिल रहा है कि नहीं, संकेत को समझो यार, एक लाइन लिखो जरा, संक्षिप्त भाव में देखें तो यह पता चलता है कि अनुच्छेद 368, अब ये जो बात लिखाने जा रहे हैं ये बिल्कुल अग्नि है, निशाने पर लगेगी, संक्षिप्त भाव से देखें तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि, विधि वही विधेयक, विधि बाद में अधिनियम, सभी विधि के अंतर्गत आते हैं, अधिनियम हो, अध्यादेश हो, आदेश हो, सब विधि अनुच्छेद 13 में संदर्भित
विधि शब्द के अंतर्गत आती है, पहले नहीं आती थी, अब आती है। अगर आती है तो व्याख्या होती है, क्यों आती है। और यह भाग तीन में निहित मूल अधिकार से असंगत होगी और यह भाग तीन में मूल अधिकार से असंगत होगी तो असंवैधानिक घोषित की जाए। असंवैधानिक घोषित की जाए, ठीक है। यहीं पे हेडिंग बना लीजिए, 24वां संविधान संशोधन, छोटा सा लिखिए, 24वां संविधान संशोधन लिखिए। गोलकनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के बाद, गोलकनाथ में तो मामला पलट गया ना, के बाद चौबीसवें संविधान संशोधन द्वारा इसके प्रभाव को समाप्त कर दिया गया, इसके प्रभाव को समाप्त किया गया। संशोधन के चलते, लिख लीजिए, संशोधन के, तू डाल डाल मैं पात पात, कार्यपालिका विधायिका और न्यायपालिका की खूब लड़ाई थी ना। इस संशोधन के चलते अनुच्छेद 13 में एक उपखंड 4 जोड़ा गया, उपखंड 4, यही है 4, और यह स्पष्ट किया गया कि अनुच्छेद 368, देखो 13 को कहां से जोड़ रहे हैं यार, कहां कहां लेके चले गए, घूम रहे ना हम लोग। तुलनात्मक लिखोगे तब पता चलता है, हमें लगता है थोड़ा समझ तो रहे हैं आप लोग, कम समझ रहे हैं तब भी थोड़ा ठीक समझ रहे हैं। 368 के अधीन पारित संविधान संशोधन अनुच्छेद 13, फिर वही लफड़ा पे आइए, में प्रयुक्त विधि शब्द के अंतर्गत विधि नहीं है, पलट दिया निर्णय को इस संशोधन में। लिखें, केशवानंद भारती मामले में, फिर चला गया न्यायालय मामला में, तो अब क्या करता न्यायालय। केशवानंद भारती मामले में उच्चतम न्यायालय ने 24वें संविधान संशोधन को, जो गोलकनाथ वाले में था, गोलकनाथ के फैसले के बाद जो हुआ था, वो केशवानंद भारती में क्या हुआ, 24वें संविधान संशोधन को विधिमान्य घोषित कर दिया, ठीक है, विधिमान्य घोषित कर दिया। अब कहां कहां लड़ाई लेके जाते, लेकिन बड़ी खास बात बताने जा रहा हूं, लिखो, लेकिन न्यायालय ने संशोधन पर एक सीमा लगा दी, न्यायालय ने संशोधन पर एक सीमा लगा दी और निर्णय दिया कि 368 पर संसद की शक्ति विस्तृत है, 368 पर संसद की शक्ति विस्तृत है मगर असीमित नहीं है, विस्तृत है मगर असीमित नहीं है। यहीं पर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि शक्ति का प्रयोग करके क्या लिखा, आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते,
इसको बोलते हैं बेसिक फीचर्स जो संविधान के हैं उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। अब लाइन फिर बदल दीजिए, थोड़ा टाइम दोहरा बट लाइन बदल दीजिए, नहीं तो ये कहानी यहीं अटकी रहेगी, इसको खत्म करके चलेंगे। इस निर्णय के बाद केशवानंद भारती के बाद, बोला ना तू डाल डाल मैं पाक पाक, केशवानंद भारती के निर्णय के बाद कठिनाई को देखते हुए बयालीसवें संविधान संशोधन को पारित करके अनुच्छेद 368 में एक नया खंड जोड़ा गया जो संसद को की, या कहा जाए जो संसद की संशोधन शक्ति को सर्वोच्च कर देती है, संशोधन शक्ति को सर्वोच्च कर सकती है। स्पष्ट है कि वह परिसीमा में नहीं रहे, संसद परिसीमा में नहीं रहे। उसने कहा ना कि विस्तृत है या सीमित नहीं, इसने कहा हम परिसीमा में नहीं रहे। आर्टिकल 368 के तहत किया गया संशोधन किसी भी आधार में पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यह भी व्यवस्था कर दी गई, न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ना। ये मामला आ गया, अरे भाई तो कोर्ट के पास दूसरा मामला भी जाएगा, मिनर्वा मिल का मामला गया। अब न्यायालय में, अब आइए नीचे, मिनर्वा मिल मामले में न्यायालय ने 368 में जोड़े गए खंड 4-5 को असंवैधानिक घोषित कर, न्यायालय ने फिर क्या किया, जो तुमने जोड़ा था वो हटा दिया, 4-5 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्योंकि वे संसद को संशोधन की असीमित शक्ति दे रहे थे, क्योंकि वे संसद को संशोधन की असीमित शक्ति दे रहे थे जो संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते, जो संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट करते हैं। न्यायालय ने आधारभूत ढांचा घोषित किया कि संसद की शक्ति सीमित हुई। मूल अधिकार क्या है? आधारभूत ढांचा, यहीं पर न्यायालय से। और चूंकि वो आधारभूत ढांचे को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए 4-5 खत्म करो, जो 42वें में किए मिनर्वा मिल में खत्म। देखिए कितना स्टेप में चला ना, उसमें कितनी कंट्रोवर्सी थी, इंदिरा गांधी वगैरह का शासन काल में काफी प्रॉब्लम बताई गई थी। फिलहाल लिख लीजिए आप, बाद के मामले में भी, लास्ट लाइन लिखा रहा हूं, बाद के मामलों में भी, अब बहुत वाद मत लिखिए फिर कोर्ट कचहरी हो जाएगा बहुत, बाद के मामलों में भी भाग 3 में प्रदान मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार बताते हुए उसे किसी संवैधानिक संशोधन या अन्य अधिनियम द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता। और ऐसा कोई कानून जो मूल अधिकारों को कमजोर करे
कम करे समाप्त करे, कमजोर करे कम करे समाप्त करे, वह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है और अवैध होगा, और वह अवैध होगा। तो इस तरीके से बच्चा हमने आपको मूल अधिकारों पर कई बातों को बता दिया, अभी कुछ बातें और बताएंगे। अब कल हम ये बातें बता दिया ना, ये मूल अधिकार की चौकड़ी हो गई। कल हम मूल अधिकार के राज्य में चलेंगे, राज्य, फिर 12 आर्टिकल, 13 आर्टिकल, फिर अब 14, 15। अब देखिए 33-34 आप पढ़ लिए, 368 इसमें पढ़ लिए, 352 पढ़ लिए, 358 पढ़ लिए, 359 पढ़ लिए, कितना काम हो गया। जैसे हम राष्ट्रीय आपात बोलेंगे फट से आप जान जाएंगे ये नहीं। हम बोलेंगे मूल अधिकारों का निलंबन हो सकता है, अवलंबन हो सकता, सस्पेंड किए जाए, आप जान जाएंगे कि क्या क्या बातें कर रहे हैं। अब आपको इसको समझना आसान, बहुत आसान हो गया। अब मैं तो आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं, फिर